बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस एस विद सी एस पी इंजीनियर अब्बास। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग के लिए सी एस एस का लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के लिए आप लोगों तक पहुँचा दूँ। हमेशा कोशिश ये होती है कि जो टॉपिक सिलेबस का हिस्सा होता है तो मैं उनको एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। हमेशा कोशिश ये होती है कि जो टॉपिक सिलेबस का हिस्सा होता है तो मैं उनको एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज का जो लेक्चर जिस लेक्चर नंबर 28 सही है, आज का जो टॉपिक है जिनको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे पास है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिनको हम शॉर्टली यूनिटेक भी कहते हैं। सही है, यूनिटेक का काम बेसिकली ये होता है कि वो ड्रग्स से रिलेटेड मंशियात और इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम होती है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, तो उस तरह की जो एक्टिविटी होती है तो वो उनको डील करते हैं। सही है, उनकी कोशिश ये होती है कि इस दुनिया को ड्रग और इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम होती है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होती है, तो उनसे वो पाक किया जाए ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। सही है, सो आते हैं स्लाइड की तरफ, इसमें क्या लिखा है। यूनिटेक इज ग्लोबल लीडर इन द फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग एंड इंटरनेशनल क्राइम। इस लाइन में बेसिकली ये कहते हैं कि अगर देखा जाए तो यूनिटेक इस दुनिया में बल्कि बहुत से कंट्री में ड्रग मंशियात और बहुत से इंटरनेशनल क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ लड़ रही है। सही है, और उस तरह की जो क्राइम होती है, इंटरनेशनल क्राइम होंगे या ऑर्गेनाइज क्राइम होंगे, तो इस तरह के क्राइम का वो मुकाबला करती है। सही है, उनकी कोशिश ये होती है कि उस दुनिया को इस तरह के क्राइम से पाक किया जाए ताकि वो इस दुनिया में अमन कायम किया जाए। सही है, सो आते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। एस्टेब्लिश इन 1997 थ्रू मर्ज बिटवीन यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। यूनिटेक ऑपरेट ऑल इन द ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ फील्ड ऑफिसेस। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिटेक 1997 को इस्टेब्लिश हुआ था। सही है, यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसको बनाया था। सही है, उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिलके यूनिटेक को बनाया था। सही है, यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, उनका काम यह था कि वो ड्रग मंशियात को डील कर रहे थे। सही है, और इस क्षेत्र में जो भी ड्रग से रिलेटेड जो भी क्राइम होते थे तो वो उनको डील कर रहे थे। सही है, और उनके खिलाफ वो एड कर रहे थे। सही है, और उनकी कोशिश ये होती है कि ड्रग से रिलेटेड जितने भी लोग क्राइम करते हैं तो उनको काउंटर बैक करें। सही है, इस तरह वो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल होते हैं तो वो उनको डील करते थे। सही है, उनका मकसद ये था, यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम का मकसद ये था कि इन सारे खत्ते को ड्रग से पाक किया जाए। सही है, और जो जो भी इस तरह की ड्यूटी में इन्वॉल्व होंगे तो वो फिर उनकी ड्यूटी के हिसाब से, उनकी जो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से फिर वो उस बंदे को डील कर रहे थे। सही, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो हमारे पास है सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम। सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम, उनका जो मकसद ये था वो उन लोगों को डील कर रहे थे जो इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम करते थे या जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते थे। सही है, तो उन दोनों फाउंडेशन ने मिलके उनसे यूनाइटेड ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम फाउंडेशन बनाया गया था। सही है, और फिर ये जो यूनिटेक इस दुनिया में बहुत से एरिया में वो काम करती है, उनका जो फील्ड ऑफिस है दुनिया के बहुत से हिस्सों में है। सही है, सो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सही है, यूनिटेक रिलाई ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड मेनली फ्रॉम गवर्नमेंट। यूनिट इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिटेक ज़्यादातर इस चीज़ पर इन्हिसार करती है। सही है, जो वॉलंटियर इनकी कंट्रीब्यूशन करती है या और साथ में जो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। सही है, तो उन वॉलंटियर के कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की वजह से वो अपनी ड्यूटी अदा करती है, वो दूसरों की हेल्प करती है। सही है, लेकिन वो जो ज़्यादातर गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन पे वो ज़्यादा इन्हिसार करती है। सही है, क्योंकि ज़्यादा फंड उनको मुख्तलिफ गवर्नमेंट से मिलती है। सही है, और उन कंट्रीब्यूशन की वजह से, उन हेल्प की वजह से फिर वो अपनी ड्यूटी अदा करती है और वो दूसरी एरिया में वो हेल्प करती है लोगों को, जहाँ पे लोग स्ट्रगल करती है, जहाँ पे लोग ड्रग्स से रिलेटेड या इंटरनेशनल क्राइम से रिलेटेड जब वो लोग स्ट्रगल करती है। सही है, तो फिर यूनिटेक जो फाउंडेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन लोगों की हेल्प करती है। सही है, और उनको इस चीज़ के काबिल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आसानी के साथ इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उनको डील करे। सही है, यूनिटेक इज मैंडेटेड टू असेस मेंबर स्टेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट इलिसिट ड्रग क्राइम एंड टेररिज्म। यूनिटेक का मैंडेट ये है कि वो अपने रुकन मेंबर की हेल्प करती है जब भी कोई भी मेंबर जब ड्रग या इंटरनेशनल क्राइम या टेररिस्ट
टेररिज्म की एक्टिविटी के खिलाफ जब वो अपनी कोशिश करती है तो यूनाइटेड उस तरह के क्राइम के खिलाफ मुकाबला करती है और अपनी जो रुकन मेंबर है उनकी हेल्प करती है ताकि वो इस चीज़ के काबिल हो जाए, ताकि वो आसानी के साथ उस तरह के जो क्रिमिनल एक्ट होंगे उनको आसानी के साथ डील करे, सही है, और उन मेंबर को, उन कंडी को इस चीज़ के काबिल बनाए कि वो आसानी के साथ ड्रग्स से रिलेटेड, क्राइम और टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होंगे वो उनको आसानी के साथ डील करे और आसानी के साथ उस तरह की जो एक्टिविटी का हाथ ना करे ताकि वो अपने खत्ते में अमन कायम कर सके, सही है। सो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सही है कि इसमें क्या लिखा है, सही है। एंड द मिलेनियम and millennium declarations members that also resort to the intensity effort to fight transnational crime in all its dimensions to redouble the effort to implement the commitment to counter the world drug problem and to take concerted action against the international terrorism. इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिडिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही चाहते हैं कि वो अपने तमाम रुकन ममालिक को इस चीज़ के काबिल बने ताकि वो अपनी कंट्री को तमाम क्राइम, ताकि उस कंट्री में जितने भी क्राइम होते हैं तो उनको आसानी के साथ डील करे, सही है। उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी कंट्री को, अपने मेंबर को इस चीज़ के काबिल बने ताकि वो फिर तमाम क्राइम को आसानी के साथ डील करे, सही है। यूनिडिक अपने तमाम स्टेट्स को ये पैगाम देती है कि वो अपने आप को इंटरनेशनल क्राइम से रिलेटेड इनकी जो एफर्ट है वो तेज़ कर दें और वो अपने आप में वो सलाहियत पैदा करें कि वो फिर आसानी के साथ इस तरह के क्राइम को डील करें, सही है, और वो हर तरह अपने आप को काबिल बनाए ताकि वो फिर आसानी के साथ इस तरह के क्राइम के खिलाफ एक्ट करे, सही है। और साथ में वो ये पैगाम भी देती है अपने स्टेट मेंबर को, सही है, कि वो अपनी कोशिशों को, अपनी कोशिश को रीडबल करे, सही है, अपनी कोशिश को दुगना करे, सही है, और इस दुनिया में ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी क्राइम होती है ताकि वो फिर उनको आसानी के साथ डील करे, सही है। जब तक आपकी मेहनत ज़्यादा होगी तब आप मुख्तलिफ चीज़ों को आसानी के साथ फिर डील कर पाएंगे, सही है। सो उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने स्टेट को इस चीज़ के खिलाफ, इस चीज़ के काबिल बने ताकि फिर वो इस, ताकि वो फिर किसी भी क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ अच्छे अकदाम, अच्छे स्टेप ले सके, सही है। और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि वो अपने अपने स्टेट को ये पैगाम देती है कि वो दहशतगर्दी टेररिज्म के खिलाफ ठोस कार्रवाइयाँ करें, सही है, ताकि वो इस तरह की दहशतगर्दी से भी निजात हासिल करें, सही है। सो यूनिडिक सीक टू अचीव सिक्योरिटी, नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, सही है। यूनिडिक सीक टू अचीव सिक्योरिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल बाय हेल्पिंग स्टेट एंड देयर पीपल टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट थ्रेट पोज बाय ड्रग क्राइम एंड टेररिज्म। यूनिडिक की कोशिश ये होती है कि वो अपने तमाम रुकन को सिक्योरिटी और जस्टिस प्रोवाइड करे, सही है, और वो अपने तमाम रुकन ममालिक की हेल्प करती है, सही है, वहाँ के जो लोग होंगे उनकी हेल्प करती है, सही है, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो स्टेट और उनके जो लोग हो, उनमें जो लोग होंगे उनको दहशतगर्दी मंशियात और साथ में जो इंटरनेशनल और जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं तो इनसे रिलेटेड जो खतरात होंगे तो उस बंदे को, उस स्टेट को, उन लोगों को उससे प्रिवेंट किया जाए, सही है। यूनिडिक की कोशिश ये होती है कि वो अपने स्टेट मेंबर को या उसमें जितने भी लोग रहते हैं तो वो ड्रग्स से रिलेटेड या क्राइम और या टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी खतरात हैं वो उनको इससे प्रिवेंट किया जाए, सही है। सो यूनिडिक वर्क इज गाइडेड बाय मैंडेट एंड ड्रिवन बाय नीड ऑफ मेंबर स्टेट इज डिपेंड इन द स्ट्रेटजी फॉर द पीरियड ऑफ 2008 to 2011। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिडिक अपनी तमाम एक्टिविटी अपने मैंडेट के हिसाब से, जो इसकी मैंडेट है तो उसके हिसाब से वो अपनी एक्टिविटी करती है, सही है, वो अपनी एक्टिविटी जारी रखती है, सही है, और साथ में वो अपने स्टेट, अपने रुकन ममालिक की ज़रूरियात को देख के वो इस हिसाब से वो स्टेप लेते हैं, सही है। और वो जो 2018 और 2011 की पीरियड के लिए उन लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी तो वो फिर उस हिसाब से वो चीज़ें एडजस्ट करती है, उस हिसाब से वो फिर प्लान बनाते हैं और उस प्लान को फिर वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, सही है, और उस प्लान में वो अपने स्टेट की जो उनकी जो ज़रूरियात है, जो नीड्स है, या वहाँ पे जो लोग की जो ज़रूरियात है या वहाँ पे जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो फिर प्लान बनाते हैं और फिर उस हिसाब से वो स्टेप्स लेते हैं, सही है। यह हमारे पास यूनिडिक की।
अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखे। सही है, पोस्टरिंग रिस्पेक्टेड पावर एंड एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ इज एट द सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एबल टू एड्रेस क्राइम ड्रग टेररिज्म गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन स्ट्रेंथनिंग जस्टिस सिस्टम एंड इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द की एस्पेक्ट ऑफ यूनिडेक वर्क इन प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ वर्ल्ड वाइड। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका मरकज बेसिकली ये होता है, वो ये चाहते हैं कि उसके मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम हो। सही है, वो ये चाहते हैं कि वो अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। सही है, ताकि उनके जितने भी लोग हैं वो कानून को एक्सेप्ट करें और कानून की एहतराम करें। सही है, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होगी होगी तो फिर वहाँ के सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन होंगे। सही है, तो फिर वहाँ के एरिया में क्राइम से रिलेटेड किसी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होंगी जो कि इलीगल हो। सही है, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो तो वहाँ तो फिर वो आसानी के साथ क्राइम ड्रग और टेररिज्म वगैरह इस तरह की एक्टिविटी को आसानी के साथ वो फिर डील कर पाएंगे। सही है, फिर वो आसानी से इस तरह की एक्टिविटी से निजात हासिल कर सकते हैं। सही है, और वो आसानी के साथ वो अपने आप को करप्शन जैसी एक्टिविटी से भी अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। सही है, वो फिर जहाँ पे जिस एरिया में जिस कम्युनिटी में जब रूल ऑफ लॉ हो तो फिर वो वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम आसानी के साथ वो कायम कर सकता है। सही है, और उसमें बेसिकली ये भी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से वो अपने मुल्क में अपने मुल्क को या अपने तमाम लोगों को वो आसानी के साथ सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है, और साथ में वो उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है, अगर मैं आपको सादा बात में बताऊं तो यूनिडेक का मकसद यह है कि वो ये काम करना चाहते हैं कि उस सारी दुनिया में रूल ऑफ लॉ हो, हर जगह पे कानून की हुक्मरानी हो। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो तो वहाँ पे क्राइम की एक्टिविटी नहीं होंगे। सही है, सो वहाँ पे जो लोग एक्ट करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन करेंगे। सही है, सो अब आते हैं यूनिडेक का जो कोर फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास क्या है। सही है, द कोर फंक्शन ऑफ यूनिडेक हमारे पास ये है। सही है, यूनिडेक इज मैंडेटेड टू असेस मेंबर स्टेट इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट ड्रग क्राइम एंड टेररिज्म। बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनिडेक का जो कोर फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि जब भी उसकी जो जब कोई भी मेंबर जब ड्रग या क्राइम या टेररिज्म से रिलेटेड जब वो अपने आप जब कोई भी उनकी जो रुकन मेंबर है जब वो इस तरह की जो एक्टिविटी का सामना कर रही है जब उस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ जब वो स्ट्रगल करती है तो यूनिडेक अपने मेंबर अपने रुकन ममालिक की हेल्प करती है। सही है, और उनकी जो सलाहियतें होती हैं तो वो उनको बढ़ाते हैं ताकि वो आसानी के साथ उस तरह की एक्टिविटी या उस तरह के जो क्राइम है उनको आसानी के साथ डील करें। सही है, जो भी मेंबर इस तरह की जो एक्टिविटी ड्रग क्राइम और टेररिज्म से रिलेटेड उनकी जो कोशिश होंगी उनकी जो कोशिश होंगे वो उसको बढ़ाते हैं। सही है, ताकि फिर वो आसानी के साथ इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी है उनका सामना करें, उनका मुकाबला करें। सही है, थ्री पिलर ऑफ यूनिडेक प्रोग्राम। सो अभी मैं आप लोगों को यूनिडेक प्रोग्राम की जो तीन पिलर हैं उनके बारे में बताऊंगा। सही है, सो पहला ये है द फील्ड बेस्ड टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ मेंबर स्टेट टू कॉन्ट्रैक्ट इलिसिट ड्रग क्राइम एंड टेररिज्म। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिडेक प्रोग्राम का एक पिलर ये है, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जब भी कोई रुकन स्टेट किसी भी क्राइम ड्रग या दहशतगर्दी जैसी वबा का सामना कर रही है तो यूनिडेक अपने तमाम रुकन ममालिक की हेल्प करती है, उनके साथ कोऑपरेशन करती है। सही है, और उनकी जो सलाहियतें होती हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। सही है, ताकि फिर वो आसानी के साथ इस तरह के मसले को डील करे। सही है, सही है, सो आते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ द रिसर्च एंड एनालिटिकल वर्क टू इंक्रीज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग एंड क्राइम इशू एंड एक्सपेंड द एविडेंस बेस फॉर द पॉलिसी एंड ऑपरेशनल डिसीजन। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिडेक का एक पिलर ये भी है कि उनका काम ये होता है कि वो रिसर्च करते हैं और वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सही है, वो उस मकसद के लिए वो ये करते हैं ताकि वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। सही है, जब उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो फिर वो उस तरह के जो मसले होंगे, सही है, ड्रग से या क्राइम से रिलेटेड जिस उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे तो फिर वो आसानी के साथ वो डील कर पाएंगे। सही है, और वो ये भी चाहते हैं, सही है, कि वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस हासिल करें और फिर वो उन एविडेंस के बिना पे वो फिर डिसीजन लेगा। सही है, सो जब
जब किसी भी बंदे का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब कोशिश ये होता है कि वो किसी चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज हासिल करे, सो तो फिर इससे क्या होगा, वो उनसे रिलेटेड ज़्यादा एविडेंस भी कलेक्ट कर पाएंगे, सही है। सो जब आपके पास जब एविडेंस ज़्यादा हो गए तो फिर वो फिर जब आप किसी चीज़ के बारे में जब फिर आप डिसीजन लेंगे तो फिर वो फिर आपके लिए फिर वो अच्छा साबित हो सकते हैं, सही है। सो नंबर तीसरा जो पिलर है वो ये है, द नॉर्मेटिव वर्ड टू असिस्ट स्टेट्स इन द रेडिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेवेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन ऑन ड्रग क्राइम एंड टूरिज्म। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि यूनाइटेड का जो तीसरा नंबर पिलर है वो ये है कि जो भी स्टेट है किसी भी मुल्क या कंट्री के साथ जब वो वायदा करेगा, सही है, तो फिर उस मुआहदे पे वो अमल दरामद भी करेगा, सही है। जब भी कोई भी यूनिटी के जो मेंबर कंट्री है जब वो किसी के साथ मुआहदा या ट्रेटी करता है, सही है, और उस पे फिर वो अमल करना शुरू करता है, सही है, तो यूनिटी कहते हैं उस मुल्क की हेल्प करती है, सही है, ताकि वो आसानी के साथ उस मुआहदे पे अमल करे और उनके लिए चीज़ें आसान बना के देता है, सही है, ताकि फिर वो उनके लिए जो प्लान होंगे या उनके लिए जो स्टेप होंगे फिर वो आसान हो जाता है, सही है। और साथ में वो मंशियात क्राइम और दहशतगर्दी के लिए जो डोमेस्टिक कानून बना देता है, सही है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी यूनाइटेड इसकी हेल्प करती है, सही है, ताकि वो आसानी के साथ उस कानून को अप्लाई करे, सही है, और लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, सही है। सो अभी मैं आप लोगों को यूनिटिक के जो मेन स्टॉक टास्क है उनके बारे में बताऊंगा, उनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। अकॉर्डिंग टू यूनिटिक स्ट्रेटजी पार्ट 2012-2015 देयर मेन टास्क और सो 2012-2015 की जो स्ट्रेटजी के जो स्ट्रेटजीज है तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से उनका जो मेन टास्क था यूनिट एक का वो हमारे पास ये है, सही है। सो नंबर वन पे उनका जो मेन टास्क था वो ये था कि काउंटरिंग ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इलिसिट ट्रैवलिंग। उनका एक मेन टास्क ये था कि जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है या जो इंटरनेशनल क्राइम है, सही है, जिस मुल्क में जिस मेंबर कंट्री में होती है तो वो उस मुल्क को इस तरह के क्राइम से पाक किया जाए, सही है, उस कंट्री को उस तरह के क्राइम से प्रिवेंट किया जाए और उनका मुकाबला करें, सही है, और सारे कंट्रीज को इस तरह की इशू से पाक किया जाए, सही है, और साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्मगलिंग होती है, सही है, वो जिस चीज़ का भी स्मगलिंग होती है, सही है, तो वो उनका कोशिश ये होती है, यूनिटिक का कोशिश ये होती है कि उन स्मगलिंग का खात्मा करने की वो कोशिश करता है, सही है, और सारे कंट्री को सारी दुनिया को स्मगलिंग से प्रिवेंट करने की वो लोग कोशिश करती है, सही है। नंबर टू पे उनका जो मेन टास्क वो ये था कि काउंटर करप्शन, कि करप्शन का मुकाबला करना उनका भी एक मेन टास्क था, सही है। उनका जो मेन टास्क वो दूसरा जो मेन टास्क था वो ये था कि वो उनका कोशिश ये थी कि वो करप्शन का खात्मा करे और जिस एरिया में करप्शन होती है, सही है, तो उनका मुकाबला करे और उस एरिया को करप्शन से पाक किया जाए, सही है, और जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व है तो उनको कानून रूल रेगुलेशन के हिसाब से उनको डील करेंगे, सही है। सो टेररिज्म प्रिवेंशन तीसरा जो उनका जो टास्क था वो टेररिज्म प्रिवेंशन था, सही है। उनका मकसद ये था कि सारी दुनिया को दहशतगर्दी से पाक किया जाए, सारी जिस एरिया में भी टेररिज्म होती है तो उस एरिया को टेररिज्म से प्रिवेंट किया जाए, सही है, ताकि दुनिया में अमन कायम हो, सही है। स्ट्रेंथनिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उनका एक मकसद ये था, वो ये चाहते थे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए, सही है, और जो भी इलीगल एक्ट करेगा तो फिर उसको इस हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी, सही है, जहाँ पर साथ सिंपल बात ये है कि जहाँ पे कानून की हुकमरानी होगी तो वहाँ पे अमन होगा, सही है। लास्ट वन जो हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग यूज ट्रीटमेंट एंड द री इंटीग्रेशन, इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि उनका जो मेन टास्क एक ये भी था कि सारी दुनिया को मंशियात से बचा दिया जाए, सारी कंट्री को ड्रग से प्रिवेंट किया जाए, सही है, और जो भी ड्रग यूज़ करता है, सही है, तो उनको ट्रीटमेंट किया जाए और जो भी ड्रग यूज़र है या ड्रग एडिक्टेड है उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट किया जाए, सही है, उनको ऐसे स्किल सिखा दिया जाए ताकि उससे फिर वो उस सोसाइटी में वो दोबारा री इंटीग्रेट हो जाए, सही है।
सो ये हमारे पास यूनिडिक से रिलेटेड जो चीज़ें थी मैंने वो आप लोग के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया है, सही है। सो मैंने उन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है, मैंने उन सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है जो यूनिडिक से रिलेटेड थे, सही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।